सो हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद होगी कि आप सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो समरी, ऑडियो समरी कुछ खास होने वाली है, क्योंकि आज की ऑडियो समरी उनके ऊपर है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस इंसान है, एक अच्छे मोटिवेशन स्पीकर हैं, एक अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं। उनका नाम आपने सुना होगा, टोनी रॉबिन्स। उनकी लिखी हुई ये बुक है अवेकन द जॉइंट विद इन। तो चलिए जानते हैं कि इस बुक में आखिर है क्या और क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों समझनी चाहिए आपको ये बुक। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम सबके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का एक स्लीपिंग जॉइंट मौजूद है जो हमारे इनर वर्ल्ड में डीप कहीं सो रहा है? क्या आपको मालूम है अपने अंदर के इस जॉइंट को जगाकर अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स पूरी ताकत और कभी ना ख़त्म होने वाले पैशन के साथ कैसे टैकल करें? बहुत से लोगों को ये बात पता ही नहीं होती, कम से कम ये मार्वल्स बुक पढ़ने से पहले तो बिल्कुल भी नहीं, जो लिखी है एंथोनी रॉबिन्स ने। इस बुक में रॉबिन्स ने ऐसी टेक्निक्स की एक पूरी वैरायटी और रेलिवेंट एडवाइस दी है, जिसे आप यूज करके सक्सेस और हैप्पीनेस की अपनी डिजायर पूरी कर सकते हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि हम आपके लिए अवेकन द जॉइंट विद इन बुक में से ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसोसिएशनल आइडियाज चुनकर छाटे हैं जो हम आपको आपके सामने पेश कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने इन सब आइडियाज को डे टू डे की रियल लाइफ स्टोरीज और सिचुएशन के थ्रू समझाने की कोशिश की है। तो पहला पॉइंट है बैलेंस्ड एक्सपेक्टेशन। पॉइंट से ही समझ में आ रहा है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। एक एक्सप्रेशन के साथ हम कहेंगे कि एक्सपेक्टेशंस और स्टैंडर्ड्स एक्सट्रीमली वैल्यूएबल चीजें हैं, जब उन्हें मोटिवेटर की तरह किसी एक पर्टिकुलर गोल तक पहुंचने के लिए यूज किया जाए। हालांकि स्टैंडर्ड्स इतने हाई होने चाहिए कि हमें बार बार चैलेंज कर सकें और आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करें। हाई और परफेक्शनिस्ट स्टैंडर्ड्स और ऐसे लो स्टैंडर्ड जो हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं रखता, इनके बीच एक परफेक्ट बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल है। ये दोनों अगर एक्सट्रीम हो तो हमें लैक ऑफ डिज़ायर और मोटिवेशन की तरफ ले जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, रिलेटिवली हाई स्टैंडर्ड रखने के मतलब है कि हमें कोई भी चीज़ बहुत जल्दी फेलियर लग सकती है, भले ही वो ना हो। इसके अपोजिट अगर हम लो स्टैंडर्ड रखेंगे तो हमें कोई काम करने में वो मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि वो इजी होगा ना, उसमें कोई चैलेंज नहीं होंगे। पहले हम देखेंगे कि कैसे बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन किसी भी चीज़ को बर्बाद कर सकती है जो अदरवाइज प्रोमिसिंग हो सकती थी। वियतनाम वॉर की स्टार्टिंग में अमेरिकन आर्मी हाई स्पिरिट में थी, क्यों ना हो। आखिरकार ये दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री के सोल्जर जो थे, उनके पास मोस्ट एडवांस और बेस्ट टेक्नोलॉजी थी, उनके पास मोस्ट टैलेंटेड ऑफिसर थे, उनकी ट्रेनिंग का कोई मुकाबला नहीं था। हार उनका ऑपरेशन थी ही नहीं, क्योंकि उन्हें जीतने का पूरा भरोसा था, इतना ज्यादा कि उन्होंने अपने दुश्मन को कमजोर समझ लिया था, एक सब ह्यूमन लेवल तक प्रैक्टिकली उन्हें बहुत छोटा समझा। दूसरे वर्ल्डन में कहें तो वियतकोंग मतलब है कि वियतनाम कम्युनिस्ट आर्मी। अमेरिकन आर्मी को दुश्मनी के लायक नजर ही नहीं आ रही थी। यूएस आर्मी के वॉर स्टार्ट होने से पहले ही इसे एक तरह से जीता हुआ समझ लिया था, और यही बात शायद उनके सीरियस लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह भी बनी, और अल्टीमेटली इनसे वियतनाम वॉर को एक हॉरिबल कचरा बना डाला। अगर सिचुएशन को ज़्यादा थोरली एनालाइज किया जाए तो शायद यूएस आर्मी इस वॉर को विनिंग की अप्रोच से देखती ही नहीं। तो स्टोरी का एग्जाम्पल देकर हम ये क्या कहना चाहते हैं कि हम यहाँ पे ये चीज़ कहना चाहते हैं कि अ बैटल कैन नॉट बी वॉन बिफोर इट इवन स्टैंडर्ड, यानी किसी भी लड़ाई की शुरुआत से पहले ही इसकी जीत तय नहीं की जा सकती। अब जब हम किसी भी सिचुएशन की काफ़ी क्रिटिकली में अप्रोच करते हैं, तब भी हो सकता है कि जिस तरीके से इसे एनालाइज किया गया है उसमें कुछ मिस्टेक हो। अब जैसे मान लो कि कोई अपने लिए एक्सट्रीमली लो स्टैंडर्ड रखता है, जिससे उसका काम ईजिली हो जाता है, लेकिन भले ही ये सारे काम पूरे हो रहे हैं लेकिन इन्हें करने में कोई मज़ा नहीं आता, क्योंकि इसमें कोई चैलेंज तो है नहीं। ये कई बार तब होता है जब लोग एक्सट्रीमली अनकॉन्फिडेंट होते हैं और उन्हें अपने अंदर की एबिलिटीज पर भरोसा नहीं होता। कोशिश करने, जिसमें हार भी मुमकिन है जीत भी मुमकिन है, के बजाय अपने लिए लोअर स्टैंडर्ड सेट करना बहुत ईजी होता है। जब लोग फेल होने से डरते हैं ना, तो उन्हें लोअर स्टैंडर्ड की चीज़ों पर काम करना ज़्यादा लॉजिकल लगता है, क्योंकि इसमें फेल होने के खतरे कम होते हैं और थोड़ा प्राइड भी फील होता है कि चलो हमने कुछ तो हासिल किया। शायद आपने नोटिस किया हो
जब भी हमें मौका मिलता है हम आइडियाज और कॉन्सेप्ट को पॉपुलर लोगों का एग्जाम्पल देकर यूज करते हैं। लास्ट कुछ एग्जाम्पल में हमने देखा कि कैसे अनबैलेंस्ड एक्सपेक्टेशन और स्टैंडर्ड्स सक्सेस का कोई भी चांस बर्बाद कर सकते हैं। अब हम इसे एक और पॉपुलर पर्सन के एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करते हैं, मैकोलो कुलिकन। हम सब उनकी स्टोरी जानते हैं, एक अमीर और यंग आदमी जो ड्रग्स के चुंगल में फंस जाता है। हालांकि हम एक दूसरा प्रोस्पेक्टिव ले सकते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कई सारे ब्लॉकबस्टर्स खास तौर पर होम अलोन सीरीज के बाद वो इस सबसे एकदम बोर हो गए और अपना स्टैंडर्ड घटा दिया। सिंपली बोले तो वो 13 साल की एज से ही सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने लगे थे और सक्सेस की तरफ लगातार बढ़ने की इस आदत का काम अब ओवर होता जा रहा था। उनके लिए जैसे जैसे फिल्मिंग रूटीन का बर्डन उन पर बढ़ता गया, उनका एक्टिंग स्टैंडर्ड घटता गया और अल्टीमेटली वो एक वेस्टेड टैलेंट बन के रह गए। हाई सेंट स्टैंडर्ड रखना भी कोई ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता, ये भी उतना ही हार्मफुल है जितना कि लो स्टैंडर्ड। ये चीज आप परफेक्शनिस्ट लोगों में देख सकते हैं, वो अपने लिए इतने अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं होते। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक आर्टिस्ट है जो परफेक्शनिस्ट है, तो अब ये आर्टिस्ट कभी भी अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं होगा क्योंकि उसे कुछ ना कुछ कमी लगती रहेगी और वे उसे ठीक करता रहेगा। उसके लिए कोई भी चीज कंप्लीट नहीं हो पाती, इस वजह से फाइनल एक्सपोजिशन हमेशा पोस्टपोन होता रहेगा और लास्ट में होगा ये कि वो परफेक्शनिस्ट आर्टिस्ट तंग आकर अपना काम ही छोड़ देगा। लियोनार्डो दा विंची को शायद परफेक्शनिस्ट बोला जा सकता है क्योंकि अक्सर उन्हें छोटी सी पेंटिंग फिनिश करने में ही सालों लग जाते थे, जैसे कि मोनालिसा जिसे बनाने में उन्होंने 4 साल लगा दिए। अपनी इस आदत की वजह से लियोनार्डो उतने प्रोडक्टिव और फर्टाइल नहीं बन सके जो बन सकते थे। जो लोग हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं अक्सर ऐसे लोग खुद की इरेशनल डिमांड्स पूरी करने के चक्कर में बार बार फेल होते रहते हैं और फिर उन्हें बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। यहाँ हम हुसैन बोल्ट की स्टोरी बताना चाहेंगे। जैसा सब जानते हैं कि हुसैन बोल्ट हिस्ट्री में सबसे फास्ट रनर है, छोटी सी एज से ही वो अपने साथ एक बच्चे से कहीं ज्यादा तेज दौड़ते थे। जब हुसैन बोल्ट बड़े हुए एक प्रोफेशनल एथलीट बने, उन्होंने लोगों से रेस करना छोड़ दिया क्योंकि अब वो टाइम से रेस लगाते थे और ये रेस कोई जीत नहीं सकता। यहाँ तक कि जब उन्होंने अपना पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया, उनके लिए इससे भी बेटर करने को था। दूसरे वर्ड्स में बोले तो उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सकती थी, वो और तेज दौड़ सकते थे, इसलिए कुछ टाइम बाद ही उन्होंने खुद से ही एक्सट्रीमली हाई एक्सपेक्टेशन रख ली, या कहें कि लोगों ने उनसे रख ली थी। फिर जब भी वो कोई रेस में दौड़ते, हर कोई उनसे अपना ही सेट किया हुआ करंट वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद करता। लेकिन ये भी गौर करने लायक है कि किसी भी ह्यूमन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो बगैर किसी सेटबैक के एक के बाद एक बेटर रिजल्ट दे। इसलिए अल्टीमेटली जब हुसैन बोल्ट खुद से ही डिसअपॉइंटमेंट होने लगे, बैड रिसर्च जो उन्हें अपने बारे में एक्सट्रीमली बैड फील कराती थी, तो उन्हें लगा कि वो अपने मास्टर इम्पोर्टेंट गोल में बुरी तरह फेल हो गए। सिंपली कहें तो उन्होंने इन मामूली फेलियर्स को इतना बड़ा चढ़ा दिया कि इसे वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी डिफीट समझने लगे। अब दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको अगला पॉइंट बताऊंगा और अगला पॉइंट जानने के लिए जो है सब्सक्राइब लाइक शेयर और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लें क्योंकि अगला पॉइंट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि अगले पॉइंट में मैं बात करने वाला हूँ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन, और मतलब कि डिसीजन की इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में बताऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, लाइक भी कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।